हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से हमारे सबसे फेवरेट टॉपिक एसएससी एमटीएस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपके कंटिन्यूसली कमेंट के बाद और आपके जो पर्सनली जो मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसी के ऊपर हमने जो है इस वीडियो को बनाया है। स्पेशली दोस्तों, आपके जो क्वेरीज है वो कंटिन्यूसली जो है बढ़ती जा रही है और आप सभी का एक ही डाउट है कि सर फाइनल जो है कट ऑफ क्या जाएगी। और दोस्तों, हम फाइनल कट ऑफ तभी तक डिसाइड कर सकते हैं जब तक हमारे पास पूरा डेटा जो है नहीं मिल जाता। आप सभी को पता है हमारे पास सिर्फ हम जितने भी वीडियोस बनाते हैं कट ऑफ के ऊपर लेके, उस सारी चीज़ों का जो बेस होता है वो होता है आपका कमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप जितना कमेंट हमें करते हैं वही जो आपका इम्पोर्टेंट कमेंट होता है, क्योंकि पेपर देने के लिए आप खुद जाते हैं दोस्तों। हम सिर्फ यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइंस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको एनालिसिस कर सकते हैं पिछले साल के वीडियोस को, और पिछले साल के जो कटऑफ्स थे उन सभी को मर्ज करके हम जो एनालिसिस निकालते हैं वही हम आपको देते हैं। और आज का जो इस वर्ष का जो कटऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर। और जितने ज़्यादा कमेंट हमारे पास आते हैं, जितना ज़्यादा हमें लोगों के रिस्पांस मिलते हैं, हम उन सभी के रिस्पांस का एनालिसिस कंटिन्यूसली करते हैं। अब इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 5 दिन का समय लग गया, और 5 दिन के बाद हमारे पास जो है नई कटऑफ आई है। और नई कटऑफ में क्या है, कितनी कटऑफ जा रही है जनरल वालों की, कितनी कटऑफ जाएगी ओबीसी की, कितनी एससी की और कितनी एसटी की, हम इस सब पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है दोस्तों। और जब भी कोई नया फॉर्म आता है या कोई नई अपडेट आती है, कोई नया रिजल्ट आता है, हम उसका पहला नोटिफिकेशन आपको जो है स्मार्ट नौकरी चैनल पर दिखा देते हैं। और दोस्तों, हम आपको देते हैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको करना होगा बस एक काम, आपको करना होगा स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बाद हमें करना होगा एक मैसेज या मेल, और अपने स्टडी मटेरियल से संबंधित आप सारा ले सकते हैं डेटा हमसे। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीधा जो मेन टॉपिक है हमारा। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सीधा हम अपने कट ऑफ के वीडियो से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जनरल कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो जाने वाली है आपकी, वो जाने वाली है आपकी दोस्तों 72 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इसमें 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ हर चीज़, क्योंकि एक्सपेक्टेड होती है। एक्सपेक्टेड में ये होता है दोस्तों कि कट ऑफ जो है ऊपर नीचे जानी ही जानी है, क्योंकि 101% श्योरिटी तभी मिलती है जब तक आप स्वयं रिजल्ट जो है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अपडेट नहीं हो पाता। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये एनालिसिस किया जाता है दोस्तों, और इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सटीक होता है आंसर आपका कि 72 नंबर यानी 72 नंबर के आसपास में ही आपकी जो है ये कट ऑफ जाने वाली है। तो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ओबीसी। जी हाँ दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लास। तो अदर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है, मिनिमम और मैक्सिमम हमने सब कुछ जो है एनालिसिस करके सिर्फ हम आपको एक डिजिट में इसका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों का यही मैसेज होता है सर आप 60 to 75, 72 to 73 इस प्रकार का जो आप बताते हैं तो उसमें हमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती है। तो इसलिए आप एक सटीक बताइए, उसके बाद 5 नंबर ऊपर नीचे हम कर लेंगे। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ एक डिजिट में जो बता रहा हूँ आपको कि सिंगल 68। जी हाँ दोस्तों, 68 में जो है मेरा स्मार्ट नौकरी चैनल की तरफ से जो है दोस्तों, जो हमने वीडियो जो है एनालिसिस किया अपना, और जो हमारे आपके पास कमेंट्स कंटिन्यूसली जो हम आप देते जा रहे हैं उसको भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं दोस्तों। और हमारे पिछले जो है एनालिसिस करने के बाद सारा रिजल्ट जो कलेक्ट किया हमने 5 दिन में, कि 68 के आसपास में जो है आपकी ओबीसी कट ऑफ जाने वाली है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और 68 के आसपास में भी हैं, यानी 5 नंबर नीचे हैं या 5 नंबर ऊपर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ऑब्वियसली ऊपर होंगे तो आपका सिलेक्शन तो 100% है, लेकिन नीचे भी अगर आप हैं तो आपका चांस है दोस्तों। आप सभी को चांसेस है ओबीसी वालों को जो 68 के आसपास में हैं। बात कर ले अब एससी की, तो शेड्यूल क्लास का जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा आपका दोस्तों, एक ही बात में बताता हूँ सब दोस्तों, 62 यानी कि 62 नंबर में, 62 में दोस्तों आपका जो है कट ऑफ जाने वाली है। और अगर आप 62 के आसपास में हैं और आपने शेड्यूल कास्ट में फॉर्म भरा है तो दोस्तों आप जो है सेकेंड टायर की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि सेकेंड टायर में आपको जाने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। 62 नंबर इनफ है, और आप इस बार की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 62 के आसपास में रहेगी। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी एसटी की, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली आपको पता ही है, एसटी कट ऑफ हमेशा सबसे कम जाती है, और यहाँ पर आपकी कट ऑफ जाएगी 58। जी हाँ दोस्तों, 58 में अगर आपका जो है नंबर है और 58 के पास में आप हैं तो दोस्तों आप सेकेंड टायर की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि सेकेंड टायर में आप
100% जाएंगे अगर आपके नंबर 58 हैं। दोस्तों ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का बता रहा हूँ, यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने कुछ कट ऑफ निकाला है, आपने आंसर्स अपने गूगल से मैच किए हैं और आपके नंबर इतने नहीं हैं, तो दोस्तों आप उस नंबर को ये सोच लीजिए कि अभी उसमें नंबर ऐड होगा, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन SSC करेगा और आपके जितने मार्क्स मिलते हैं उसमें से 4 से 5 नंबर आपको बढ़कर मिलेगा। और ये भी डिपेंड करता है दोस्तों डेट के वाइज और जो उनका जो एल्गोरिथम होता है, जी हाँ दोस्तों एल्गोरिथम होता है जो कट ऑफ निकालने का, उसके बेस के आधार पे जो आपको नंबर मिलते हैं, समटाइम्स आपको 7 से 8 के बदले 10 नंबर मिलते हैं दोस्तों, 11 नंबर मिलते हैं, रेलवे में तो यहाँ तक 12 से 15 नंबर तक दिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम आपको चांसेस रहेगा दोस्तों, जहाँ पर जैसी कट ऑफ रहेगी उस हिसाब से एनालिसिस करके एल्गोरिथम के हिसाब से आपको 10-12 नंबर भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये जारी जो वीडियोस का जो कटअप है ये आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, तो आप जितना नंबर पा रहे हैं अभी उसमें ऐड ऑन नंबर होंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि आप नेक्स्ट टाइम में जो नेक्स्ट ईयर होगा आप उसमें जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के नीचे जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही दोस्तों हमारे स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।